हेलो एनी वॉचिंग क्लैप ट्रैप वी बैक अगेन, एक बार फिर से आपका स्वागत है। राइट सिलेक्शन ऑफ मटेरियल कैन एक्चुअली एनहांस द ब्यूटी ऑफ अ स्पेस, सो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर। आज हम बात करेंगे लूवर्स के बारे में जो कि काफ़ी ट्रेंड में है। लूवर्स का ओरिजिन जो है वो बताएंगे पहले आपको। ये माना जाता है कि लूवर्स का ओरिजिन हुआ था यूरोपियन नेशन से, इसीलिए न्यू क्लासिकल थीम में काफ़ी अच्छे जाते हैं। मॉडर्न कॉन्टेम्प्रेरी होम में भी इनको रैशनली इस्तेमाल करें। मटेरियल की बात करें तो सबसे अच्छा मटेरियल है चारकोल लूवर्स, क्योंकि इनकी फिनिश बहुत अच्छी होती है। पीवीसी लूवर्स दिखने में उतने अच्छे नहीं लगते। अब बात करेंगे थीम की, आप तो इसको आप न्यू क्लासिकल थीम में लगा सकते हैं, और इनको आप अगर स्पेस की बात करें तो आप इनको अपने काफ़ी सारे एरियाज़ में लगा सकते हैं। विनियर्स और फैब्रिक के साथ इनको मैच कर लें, बाकी आपके ड्राइंग रूम, लिविंग रूम या फिर फॉयर एरिया, स्टडी, इन सब जगहों पे आप इनको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छे दिखाई देते हैं किसी घर के स्पेस में। छोटा सा लिमिटेड वॉल स्पेस होता है बिटवीन योर बीम एंड पिलर्स, उस एरिया में भी आप लूवर्स को लगाएं तो वो एरिया एनहांस हो जाता है। इसके ऊपर एक अच्छा सा आप ट्रैक लाइट लगाएं तो लूवर्स का पैटर्न और अच्छा दिखाई देता है। बड़े साइज़ के वॉल के ऊपर छोटे लूवर्स लगाएं और छोटी वॉल के ऊपर आप मोटे लूवर्स लगा सकते हैं। इनके साथ कॉम्बिनेशन बिठाना है तो बहुत सारी शीट्स आज अवेलेबल हैं, लेकिन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, यू कैन नॉट चूज़ एवरीथिंग। ये जो शीट्स आप देख रहे हैं ये लूवर्स के साथ बहुत अच्छे दिखाई नहीं देते, इसलिए इनको बहुत केयरफुली आप यूज़ करें। ये जो आप लूवर्स देख रहे हैं ये हैं स्टोन लूवर्स, जो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। ओरिजिनली स्टोन मटेरियल के बने हुए लूवर्स पाउडर वॉशरूम में, क्योंकि महंगे होने की वजह से लिमिटेड अमाउंट में ही यूज़ किए जाते हैं, वरना आप इनको फुल वॉल के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब आपको बहुत सारे लूवर्स के डिज़ाइन दिखाते हैं। हाय निकुंज। हाय सर, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, आप कैसे हैं सर? मैं भी ठीक हूँ, थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम टू क्लब ट्रैप। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी वापस से। मार्केट में भी चल रहा है, दो तीन चीज़ें हैं। एक है उसमें स्टेट ऑफ कंफ्यूजन जो कंज्यूमर के माइंड में है, दूसरा मुझे लगा कि मिसयूज़ ऑफ प्रोडक्ट है, इरेशनल वे ऑफ डीलिंग विद प्रोडक्ट है, एक क्वालिटी डिटोरिएशन की बात है। ये सारे टॉपिक है जो आज हम रेज करेंगे आपके साथ में, लेकिन सबसे पहले एक छोटा सा बेसिक इंट्रोडक्शन हमारे उन व्यूअर्स को जो एक्वाइंटेड नहीं आपके फेस से, जिन्होंने अभी रिसेंटली ज्वाइन कर लिया है। सो बेसिकली माई नेम इज़ निकुंज एंड माई फर्म्स नेम इज़ मंगलम डेकोर्स। वी आर लोकेटेड इन कीर्ति नगर एंड वी डील इन ऑल डेकोरेटिव प्रोडक्ट्स एंड ऑल रॉ मटेरियल प्रोडक्ट्स। बेसिकली कमर्शियल बोर्ड प्लाई हो गया, वीनियर हो गया, लैमिनेट्स हो गए, लूवर्स हो गए, चारकोल शीट्स हो गए, अक्रेलिक शीट्स हो गए, सो ऑन। चलिए अगेन, जैसे हमने बोला ना, एक प्रोडक्ट का एस्थेटिकली एक अपील होता है, रैशनल तरीके से लगाना चाहिए, इरेशनल तरीके से नहीं लगाना चाहिए। अगर आप अच्छा प्रोडक्ट भी ले रहे हो और आप उसको इरेशनल तरीके से लगा रहे हो कि हाँ यहाँ पे भी लगा दो, वहाँ पे भी लगा दो, तो ऑफ कोर्स इट्स गोइंग टू फॉल ऑफ। इंडिया में बहुत हो रहा है अभी ये, क्योंकि प्रोडक्ट्स इतने सारे अवेलेबल हैं, इंटीरियर डिजाइनर्स कुछ हैं ऐसे जो उनको लगता है कि ज़्यादा मटेरियल मतलब ज़्यादा बिलिंग, वो गलत प्रोसेस है। आई बिलीव ये सारी चीज़ों का खास ख्याल रखना चाहिए, राइट? राइट, ओके, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अपने कुछ सॉल्यूशंस हैं वो देख लेते हैं हम, और मेरा स्पेशल जो अटेंशन रहेगा वो लूवर्स के ऊपर रहेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है लूवर्स का मिसयूज़ बहुत है इंडिया में। कुछ वो प्रोडक्ट्स हम लेकिन स्टार्ट करेंगे जो एकदम फ्रेश हैं, अच्छे हैं, राइट? चलिए, ओके, सो वी आर रेडी विद नंबर वन। टॉपिक नंबर वन इज लूवर्स। लूवर्स का ओरिजिन यूरोप है, हम सभी जानते हैं उनको। पहले शूरैकलिन का हालांकि इन्वेंशन हुआ था, बाद में ये डिज़ाइन एलिमेंट की तरह यूज़ होने लगे। लूवर्स को एस्थेटिकली बताएं, आपके ख्याल से एक इंटीरियर डिज़ाइनर को लूवर्स को कहाँ पे यूज़ करना चाहिए, और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या है, एस्थेटिक्स क्या इम्प्रूव करता है? सर, अगेन लूवर्स जो है वो हाईलाइटर के हिसाब से थे, तो अगेन एवरी आर्किटेक्ट, एवरी पर्सन हैज अ डिफरेंट टेस्ट। शायद मेरा टेस्ट किसी को ज्यादा अच्छा ना लगे, शायद किसी को ज्यादा अच्छा लग जाए, मेरे से भी ज्यादा अच्छा लग जाए उनको आइडिया। तो हर एक के अपने अपने चॉइसेस है, बट अगेन लूवर्स वर सपोज टू बी एज अ हाईलाइटर की तरह से, कि एक वॉल को हाईलाइट करने के लिए, एक उसको एस्थेटिक अपील देने के हिसाब से था, कि थोड़ा वैसा लगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी द डिफरेंट काइंड ऑफ वेराइटी वी आर हैविंग डेफिनेशन में, मतलब सॉरी आई एम इंटरप्टिंग, जो हमने स्टडी किया वो ये लूवर्स एक्चुअली दोज आर द वर्टिकल लाइंस जो कि आपके एक स्पेस को एक थोड़ा सा ब्रिटिशियन क्लासिक टच देते हैं, एंड नॉट वेरी, इट्स वेरी न्यू क्लासिकल सॉर्ट ऑफ थिंग, नॉट वेरी क्लासिकल फ्रेंच फर्नीचर, जो कार्विंग फर्नीचर के साथ नहीं जाता, मोस्टली स्ट्रेट लाइन फर्नीचर के साथ अच्छा जाता है। रेशनली यूज करना चाहिए जैसे आपने कहा। तीसरा, ये वर्टिकल लगते हैं तो आपके स्पेस को थोड़ा सा हाइट मिलता है, वर्टिकल भी मिल सकता है सर, और सीलिंग पे भी लगा सकते हैं आप, सीलिंग पे लगा सकते हैं, बट अगेन आपके स्पेस को एक हाइट देता है, राइट, एंड सोफिस्टिकेटेड तरीके से, राइट, और दैट इज माय टेस्ट। हो सकता है हम लोग एस्थेटिक, अभी हम सिर्फ वो बात कर रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि कौन सा कलर, कौन सा पैटर्न, कौन सा डिजाइन, अब हम बात कर रहे हैं इनको कहाँ यूज कर रहे हैं। अब ये मटेरियल काफी सारे ब्रिटेन में, यूरोप में, तो ये बाथरूम में भी काफी फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं, बिकॉज वे लोग बाथटब यूज करते हैं,
अब काफ़ी ऐसे मटेरियल इंडिया में भी आ गए हैं जो वाटर रेजिस्टेंट हैं, है ना, राइट। तो इनको और इनको रैशनली यूज़ करिए, पूरी ऑल ओवर वॉल पे थोड़ा सा अवॉइड करिए, अलग अलग थिकनेस में अभी अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल अब आप मुझे बताएं प्लीज़, जैसे सर ये आप देख सकते हैं अलग अलग फिनिशेस हैं, ये वुडन फिनिश में है, ये स्टोन फिनिश में है, पहले फिनिश की बात करेंगे, ठीक है, ये अगेन अलग वुडन फिनिश के उसमें आ रखा है, ये वुडन फिनिश विद गोल्डन इनले है, ये मार्बल फिनिश में, अगेन दिस इज अनदर मार्बल फिनिश विद कॉपर इनले, राइट। तो ये सब जो है ये चारकोल लूअर्स की वैरायटी आ जाती है, ठीक है। सी पीवीसी लूअर्स एक नॉमिनल डिजाइन में चलते हैं, प्लस दे आर होलो, तो इसलिए ये चीप होते हैं। तो नाउ यू कैन सी कि इनका लुक और इनका लुक एक अलग है ऑल टुगेदर। ये है पीवीसी, ये है चारकोल, ये चारकोल है, ठीक है। चारकोल में ये फिनिश आती है, चारकोल में वुडन फिनिश भी आती है, वुडन मतलब ये ऐसे जिगजैग पैटर्न्स आते हैं, ये पैटर्न जो है जो आपने यहाँ दिखाए ये वाले, हाँ जी सर ये वाले भी आते हैं, पीवीसी के चारकोल भी आते हैं, मतलब ये वाले फिनिश जो है बेसिकली सर डिजाइन अंदर की जो डेंसिटी है दैट इज पीवीसी, अच्छा, द बेस ऑफ द प्रोडक्ट इज पीवीसी। इसमें आप देखेंगे तो ये जो है पूरा चारकोल से बना हुआ है, एंड इट्स वन सॉलिड प्रोडक्ट। ओह अच्छा, थिकनेस अच्छी है, तो ये उस हिसाब से, राइट, ओके। और चारकोल जो है अलग अलग थिकनेस में भी आता है, 12 mm भी आता है, 7 mm में भी आता है, अलग अलग विड्थ में आता है, 8 feet एंड 9.5 feet की हाइट में आता है। चारकोल में भी व्हेन अ पर्सन इज बाइंग चारकोल लूअर्स तो उसको देखने की जरूरत है कि डेंसिटी प्रोडक्ट का जो ऊपर का क्वालिटी है, सरफेस का क्वालिटी जो है, अंदर का डेंसिटी जो है, वो उसको लग रहा है कि नहीं लग रहा सैटिस्फैक्ट्री। ओके, सिर्फ चारकोल लूअर्स है तो इसका मतलब ये नहीं कि यू आर बाइंग द राइट प्रोडक्ट, उसमें भी बहुत ऑल्टरेशन है। ठीक बात है, जैसे अभी हम मुझे ये वाला डिजाइन अच्छा लग रहा था, इसकी थिकनेस थोड़ी ज्यादा है, इसका लीन में अवेलेबल है यहाँ पे, राइट। अब ये आप जैसे इन दोनों को कंपेयर करिए तो ज्यादा वुडन इफेक्ट किस में आ रहा होगा, जो डार्क टोन में है उसमें आता है, ठीक बात है। प्लस यू गेट एडिशनल कॉपर लाइंस, वो अगेन आपके ऊपर है, इफ यू डोंट वांट कॉपर लाइंस तो हमारे पास ये भी है, जैसे आप इधर देख सकते हैं सर, यहाँ पे प्रॉपर वुडन के वो टोन में है, दिस इज एक्चुअल साइज एंड थिकनेस, ये है वो एक्चुअल में लगने के बाद में ऐसा दिखता है। इसकी हाइट जो है वो कितना फीट है, 8 feet है। ऑलराइट, चलिए, और इसको अगर और ऊपर ले जाना है रनिंग में तो फिर हमें क्या प्रोफाइल देना होगा इसमें? नहीं, हम 9.5 feet में भी प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, तो उस तरीके से है, बट अगर डबल हाइटेड सीलिंग्स है तो बहुत हेयर लाइन सा जॉइंट दिखता है। अच्छा, डन, चलिए आपके साथ वॉक एंड टॉकी करते हैं अभी, राइट, ठीक है। और किस तरह से इनको चूज करना है, क्योंकि इनके अलग अलग विड्थ में अवेलेबल आते हैं ये सर, अलग अलग विड्थ हैं, अलग अलग डिजाइन है, ये टोटली आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, आपके स्पेस में क्या चीज की रिक्वायरमेंट है, आपको वुडन फिनिश में चाहिए, आपको कॉन्क्रीट फिनिश में चाहिए, यू वांट अ मार्बल लुक, यू वांट अ मेटालिक लुक, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऑलराइट, ठीक है, मुझे लगता है कि ये थोड़ा ऑपरेशनली यूज करना चाहिए। अगर लार्ज साइज वॉल है तो आप लीन वाले यूज कर लें, ज्यादा ब्रॉड जो है थोड़े खराब दिखते हैं। अगेन टोटली डिपेंड्स कि आपका स्पेस जो है वो कैसा है और आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है वो, राइट। बट रैशनली यूज करना जो है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इरेशनल तरीके से यूज करोगे आप तो जो आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो चाहे महंगा हो सस्ता हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसका जो ग्रेड है वो कहीं ना कहीं अपने स्पेस में खत्म कर रहे हो। बिल्कुल, आदमी आएगा देखेगा और वो बोलेगा कि क्या है, सब जगह तो यही लगा रखा है। राइट, आई वाज टॉकिंग टू योर डैड, ही सेड कि जैसे लड़की के माथे पे बिंदी होती है, हाँ, वो एक अच्छी लगती है, यू कैन नॉट हैव 1000 बिंदीज, इट विल नॉट लुक गुड। हम लोग ना टेक्निकल में नहीं जाएंगे आज, कितने एमएम है, कितने साइज है, कितनी विड्थ है, उसके लिए आप हमेशा फोन पे हैं, क्योंकि मुझे लगता है यू शुड नॉट गेट योर व्यूअर्स लॉस्ट इन द ट्रांसलेशन, राइट, वो कन्फ्यूज हो जाते हैं एमएम थिकनेस में इसमें उसमें। तो हम कहेंगे सिंपल भाषा में, ज्यादा अगर ब्रॉड है तो लार्ज साइज वॉल पे मुझे लगता है अच्छे दिखते हैं।